इन्होंने जी एंट्री है अपने मखसूस टाइम पर है, मैं उस वेला ना के ना नहीं लाना, लेकिन वेलकम आखसा उन्होंने की भी खुश आती जी हाँ। और हूँ सर मैं चाहना भाई जेडे शायकीन है वह तगड़े होकर बवन यही घड़िया मियां साहब लिखिया भाई सदा सदा हाथ आंदा नहीं ए करमा का वेला मौला जाने नाल सबब दे कदन उसी मुड़ मेला। सो मुख्त सारे के चौधरी इत शाम अकरम गुजरना इस धरती पर इस मकाम पर इस इलाके के अंदर पहला प्रोग्राम, लेकिन सुनने वाले ना एक जम्मे गफीर और चाण वाले की एक बड़ी तादाद बहुत बड़ा हजूम इस पंडाल के अंदर मौजूद और सारे ना सारा सेरा जोड़ा सरदार हलीम साहब शहदाई यूके और इन्होंने तमाम टीम की जाना है कि जिन्होंने चौधरी इत शाम गुजरने नाल जिस शख्सियत ने इंतखाब किया उस शख्सियत की यह गल आखने भाई अक्से गुजर अक्से गुजर यानी मेरी और तुसानी मुराद ए के खान मुश्तबा खान साहब इस पिंडाल के अंदर तशरीफ फरमा इंशाल्लाह तुसानिया भरपूर तालियां हो सन सरदार साहिबान ना पुरजोश और पुरतपाक इस्तकबाल बहुत खूबसूरत अंदाज तौलानी था पर माला रक्स पैसे निछावर किए गए बहुत सारा मुहब्तों का इजहार किया गया और इंशाल्लाह चंद लम्बे तो बाद सजिंदे हजरात में गुजारिश कर सके तुसा जल्द अज जल्द स्टेज पर पहुंचो जनाब इत शाम अकरम साहब ने और खान मुश्तबा खान साहब ने सजिंदे तुसा जल्द अज जल्द स्टेज पर तशरीफ लो। जी दोस्तों इस गल शक ही कोई नहीं के तर्ज चाहे खली होवे या दुई होवे हर तर्ज ने हर अदायगी ने और हर शेर खान ने सुनने वाले का एक अपना लकाय एक अपना अंदाज है और चाहने वाले का एक अपना वजूद कायम है इंशाल्लाह सारे ही अच्छे सारे ही सदब की खिदमत करने सारे काबिल एहतराम है चाहे वह कश्मीर ने चाहे वह कुडवार ने जिस जगह नाल भी ताल्लुक है क्योंकि इस अदब ने प्रमोटर है इस अदब की परवान चढ़ाने इस अदब की पेश करने सारे वास्ते सारे काबिल एहतराम है लेकिन जड़ी खली लैन है इस लैन अंदर बहुत सारे शेरखाना ने शेरखानी की है सजे दे यकीन स्टेज की इज्जत जीनत बन चुके मैं इन्हें की वेलकम आखना दोस्तों लेकिन खली लैन बिचों जिस शख्सियत का ना है और शख्सियत ऐसी है लोग मरने खत्म हो जाने लेकिन चौधरी अकरम गुजर मरहूम मकफूर आपने जदू रेल तो इस दुनिया को परदा किया तो चाण वालिया ने जिहड़ी कैफियत सी पूरी दुनिया ने तकी है मगर चौधरी अकरम गुजर साहब मरे नहीं इस वजह तो आज भी दिलों ने अंदर चौधरी अकरम साहब की मोहब्बत चौधरी अकरम साहब का प्यार और उन्होंने जिहड़ी अकीदत है कोई बंदा ना लै सकिया ना लै सकता है ताकि अहमद चौधरी साहब की अकीदत ने फुल शायकीन भी पेश करने शायर भी पेश करने चाण वाले पेश करने कोई इलाका कोई मुल्क जिथे भी इस फन की पसंद करने वाले लोग है चौधरी अकरम साहब ने फन की कदर करने एहतराम करने और उस नाम नाल अकीदत रखने सो चौधरी अकरम गुजर मरहूम नी पहचान फरजंदे अर्जमान इस शेरखानी के अंदर उस दोस्त ने जदू कदम रखिया तो फिर अपने वालद की कापी किया और इस अंदाज नाल कापी किया कि लोगों ने चौधरी इत शाम अकरम गुजर की इस अंदाज वेलकम आखिया इस अंदाज वेलकम आखिया के
पटवारी जाने बैजा बैजा होगी। सो मैं चाहना तुसनी ताड़िया जिथे तक मेरी आवाज पहुंचनी आती मुहब्बतां जरूर शामिल होनी चाहिए। मैं दावत दसा जनाब चौधरी एक शान गुजर आप तो मड़क्याला अपने अमरा अक्से गुजर खान मुतबा खान साहेब वक्त ने बेहतरीन शेर खान जिन्ना चौधरी अकरम गुजर साहब की कापी की है चाहे पटवार होवे चाहे कश्मीर होवे सपा ने आखिया बिस्मिल्ला खान जी वेलकम खुश आमदीद जियानू जिदस्तों पर पूर्दा लिया जनाब चौधरी एक शाम अकरम गुजर वेलकम वेलकम खुश आमदीद जियानू जनाब चौधरी एक शाम इस महफल जनाबे मोहतरम इलाके पटवार की बड़ी शख्सियत शेरखानी की पसंदीदगी ने हवाले बड़िया महफल कराने के हवाले बहुत बड़ा नाम जनाब चौधरी जावेद साहब आप तेरा खालसा मैं आपकी भी वेलकम आखना जी खुश आफी जी आयान इस महफल जीने बने अज भी इस महफल खुश आफी जी आयान जी दोस्तों वेलकम आखसा खान मुतबा खान साहब इस सचैज की जीने बने जी वेलकम खुश आफी जी आयान जी दोस्तों हूँ मैं इंतजामिया पुरजोर इसरार पर दावत दसा इस महफल जीनत आज नी इस तकरीब ने मेहमान खसूसी जनाब मोहतरम मलक आजम साहेब ऑफ कुला और जनाब मोहतरम राजा बाबू इबराज साहेब वेलकम खुश आमदी जी आनू इस सत्याज नी जीनत पढ़ो जी दोस्तों भरपूर तालियां जनाब मलक आजम साहेब और राजा बाबू इबराज साहेब स्टेज पर तशरीफ ला जी वेलकम खुश आमदी जी आनू जनाब चौधरी जावेद साहब बिस्मिल्लाह वेलकम धन्यवाद तू इस सारी महफल में खसूसी शिरकत मैं अपनी तरफों इंतजामिया की तरफों सरदार बरादरान की तरफों खुश आमदी आखसा जी वेलकम जी आया कैमरे की आंखें चासो जी सामने जी बिस्मिल्लाह मलक साहब अगे आ जाओ चौधरी साहब तो समझ गया सरदार हलीम शहदाई गुजारिश कर सके तो सभी करीब आ जाओ और नन्हे शहजादे जनाब सरदार अजान शहदाई सरदार अजान शहदाई सरदार जुनेद शहदाई जिन्हों का आज हकीका है और जिन्हें बड़ी दावत का इस्तेमाल किया गया और महफिल मिलाद का इस्तेमाल किया गया सरदार अजान सरदार अजान और सरदार अजान शहदाई गुजारिश कर सकते तो स्टेज की जीत बनाओ जी दोस्तों हो भरपूर तालियां होनी चाहिए भरपूर तालियां बड़ी मेहरबानी जनाब हूँ तुसा कि सिर्फ एक या दो मिनट जहमत देसा उस बाद तुसा अपनी कुर्सियां पर जाना दोस्तों एक ही गल हर स्टेज पर कि जिस बंदे को जेड़ी चीज होनी है वह पेश करना है जिस बंदे को इज्जत होनी है जेड़ा इज्जत आला होना है वह दूसरे की इज्जत पेश करना अगर तुसा इज्जतदार हो अगर तुसा और वाकई इज्जतदार हो तो समझने हो ये लोग भी इज्जतदार है शेर खान हजरात भी इज्जतदार है तो तुसा इज्जत आलिया की इज्जत देना चाहते हो यह भी गल सच है कि इज्जत आले ही इज्जत दे सकने जिसने
जिनी अपनी नहीं है दूए की नहीं दई सकना। आका करीम मेरे और तुसने प्यारे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक ना मफहूम है, जिसने बंदे का शुक्रिया अदा नहीं किया गोया उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। लिहाजा तुसा शुक्रिया इस तरह है, अगर तुसा समझने अच्छे शेखाना ना इंतखाब है, अच्छे मेहमाना की बुलाया गया, अच्छी सेटिंग की थी, मेहमाना की इज्जत दी गई, मेजबाना ने अच्छी महफिल सजाई है, उस हदीस ने मिसदाक कोई भी दोस्त जेड़ा बीमार है बेशक ताड़ी ना बजाए मगर जेड़ा जानदार है ठीक है सेहतमंद है वो अपने इज्जतदार होने का सबूत है। एक बारी भरपूर ताली आनी चाहिए।